भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता ऋषि सुनक पीएम पद के लिए कंजर्वेटिव पार्टी में सबसे आगे चल रहे हैं। इस रेस में कामयाब होने पर ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन जाएंगे, लेकिन उनके सामने ब्रिटिश सांसदों का समर्थन जुटाने की चुनौती है। आपको बता दें कि कंजर्वेटिव पार्टी में नेता चुनने की प्रक्रिया में एक कमेटी शामिल होती है, ये पार्टी के सांसद होते हैं। नेता चुनने के लिए 3 स्तर की प्रक्रिया होती है। इसमें नॉमिनेशन, एलिमिनेशन और फाइनल सिलेक्शन होता है। नॉमिनेशन हो चुका है और अब एलिमिनेशन राउंड चल रहा है। ब्रिटेन का पीएम बनने की रेस में कुल 8 नाम शामिल थे, इनमें से 2 बाहर हो चुके हैं। बुधवार को एलिमिनेशन राउंड की वोटिंग में ऋषि सुनक को 25% यानी 88 वोट मिले। फिलहाल ऋषि सुनक इस रेस में सबसे आगे हैं। आपको बता दें कि ऋषि सुनक दिग्गज कारोबारी और इंफोसिस के चेयरमैन रह चुके नारायण मूर्ति के दामाद हैं। 42 साल के ऋषि सुनक को फरवरी 2020 में बोरिस जॉनसन की सरकार में वित्त मंत्री बनाया गया था। इसी के बाद से वो खासे चर्चा में आ गए थे। अब आपको एक बेहद ही दिलचस्प बात बताते हैं। इस साल जनवरी में ब्रिटेन के एक प्रमुख सट्टेबाज ने ये भविष्यवाणी की थी कि बोरिस जॉनसन जल्द ही इस्तीफा दे सकते हैं और उनकी जगह ऋषि सुनक नए प्रधानमंत्री बनाए जा सकते हैं। आपको बता दें कि ब्रिटेन की राजनीति में अस्थिरता का दौर जारी है। बोरिस जॉनसन को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। महज 3 साल पहले ही बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी की सबसे बड़ी चुनावी जीत के बाद सत्ता में आए थे। सत्ता में आने के बाद ब्रिटेन और कंजर्वेटिव पार्टी को जॉनसन से काफी उम्मीदें थी, लेकिन कई ऐसे विवाद हुए जिनकी वजह से बोरिस जॉनसन को इस्तीफा देना पड़ा। आपको यह भी बता दें कि बोरिस जॉनसन अपना पद छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, लेकिन उनके 2 प्रमुख मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। उन दोनों मंत्रियों के इस्तीफे के बाद जब बोरिस जॉनसन से पूछा गया कि क्या अब भी वो प्रधानमंत्री पद नहीं छोड़ेंगे, तो उस पर बोरिस जॉनसन का जवाब था, बिल्कुल नहीं। ब्रिटिश संसद के लगभग 400 सालों के इतिहास में ये शायद पहली ऐसी घटना थी जब किसी प्रधानमंत्री पर उसके मंत्रियों और सांसदों ने संगीन आरोप लगाए हो और उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर कर दिया हो। बहरहाल आपको बता दें कि ब्रिटेन में नए प्रधानमंत्री का चुनाव 5 सितंबर को किया जाएगा।